वेलकम बैक टू नर वीडियो और पोर्टेबल कंसोल्स के बारे में पी एस पी से लेकर एक्सबॉक्स के पोर्टेबल कंट्रोल्स तक हम इस चैनल पर काफी ज्यादा बात कर चुके हैं लेकिन लेकिन पी एस वीटा के बाद हमें प्रॉपर सोनिया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई प्रॉपर हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस नहीं मिली लेकिन रिसेंटली डिवाइस लॉन्च हुई है विच इज वेरी क्लोज टू द रियल थिंग कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च होती तो इट वुड बी एक्जेटली लाइक दिस जैसे हमने पहले बात की हुई है कि एक्सबॉक्स गेम पास काफी ज्यादा एडवांस क्लाउड गेमिंग की तरफ जा रहा है एंड इट इज नियरली पॉसिबल कि एक हैंड हेल्ड गेमिंग डिवाइस आते हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लाउड गेमिंग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या फिर सोनिक की तरफ से एंड Finally, we have a device जैसे हम पी एस पी फाइव जी के बारे में बात करते थे उसका डिज़ाइन उसके एस्थेटिक्स और किस तरह वो एक क्लाउड कंसोल होगा जो फाइव जी पे रन करेगा वी हैव अ वेरी वेरी सिमिलर डिवाइस टू डेट जिस कुछ दिन पहले लॉजिटेक की तरफ से लॉजिटे जी क्लाउड के नाम लॉन्च हुई है तो जैसे स्टॉक अबाउट और इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं इसकी प्राइस देखते हैं इसके फीचर्स देखते हैं और देखते हैं क्या पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में स्लो स्लो कनेक्शन की वजह से कैन वी रीली कैन वी रियली डू समिंग अबार है तो इट्स अ वेरी सिंपल पोर्टेबल कंसोल जो यू एस बी सी से चार्ज होता है इसमें एक सेवन इंच आई पी एस क्रीन है जो सिक्सटी हर्स तक जाती फोर हंड्रेड है, जो आपको बाइस नाइट में भी एक एक्सेप्टेबल गेम प्ले दे सकते हैं इसमें टू स्टेडियो स्पीकर्स हैं और सिक्सटी फोर जी बी की स्टोरेज आती है कुछ हा, कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है और ये वाईफाई भी चलता है इसमें हमें कैरियर वगैरह कुछ नहीं मिलता तो अगर आपने गेम्स खेलनी है तो आपको एक स्टेटल वाईफाई कनेक्शन चाहिए अंटिलस अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करके इसको यूज कर सकते हो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन इसके अपने अंदर कैरियर कोई नहीं है वॉट फ्रॉम दैट्स इट अ ट्वेल्व आवर्स ऑफ बैटरी ताकि आप नॉन स्टॉप गेमिंग कर सको एंड द रियल थिंग हेयर इज के ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ गेम्स को स्ट्रीम करती है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे एक्सबॉक्स का एक्स क्लाउड गूगल स्टेडिया और एनवीडिया का जी फोर्स नाउ ये तीनों प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन गेम्स रन कर सकती है और इन तीनों प्लेटफॉर्म से जो जो गेम्स हैं वो इंडिविजुअली आप रन कर सकते हो इस डिवाइस पे इफ यू हैव अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अ फोन इसमें फुल हैं प्रॉपर कंट्रोल ओनली मेड फॉर गेमिंग और यू आर काफी यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टेबल और जैसे कंसोल में ऑप्शन होती है पार्टी चैट की और इस इस तरह के दूसरे फीचर्स इट हैज ऑल ऑफ देम यानी एक प्रॉपर गेमिंग कंसोल है ले, लेकिन द डाउन साइड है सिर्फ और सिर्फ वाइव है अगर आप एक्स क्लाउट की बात करो तो सेवन ट्वेंटी से ज्यादा इस वक्त स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो एक्स क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट की हम तरफ से हमें स्ट्रीम मिलनी है दैट इज़ लिमिटेड टू सेवन ट्वेंटी पी नाव लेकिन अगर आप जी फोर्स की तरफ जाते हो तो आपको टेन ए टी पी प्रॉपर फुल फ्लेज गेमिंग मिल सकती है ऑन अ हैंड हेल्ड डिवाइस लेकिन दैट्स नॉट द रियल प्रॉब्लम द रियल प्रॉब्लम हेयर इज द प्राइस ऑफ दिस डिवाइस दैट इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स वेल आई someone's नो इफ समेट दिस थिंग और नो इट हज माई आर्ग्यूमेंट अगर आपके पास एक एक्जिस्टिंग एंड डिवाइस है समथिंग लाइक गुड फ्लैक्शन फोन तो उस पर अगर आप रेजर के कीशी लगा लेते हो, होते 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 it's a इट्स अ डिटैचेबल कंट्रोल इट्स अ डिटैचेबल कंट्रोलर जो आपकी डिवाइस की साइड पर लग जाते हैं वो फोर्टीन थाउजेंड या फिफ्टीन थाउजेंड के आपको लोकली मिल जाते हैं तो वो आपको काफ़ी एक सिमिलर एक्सपीरियंस दे सकता है इफ़ यू कंपेयर इट टू अंड हेल्ड गेमिंग कंसोल्स फॉर श्योर क्लाउड गेमिंग फॉर श्योर क्लाउड गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंड हेल्ड डिवाइस आ रही है लॉजिटेक के अलावा भी कुछ कंपनीज़ ने लॉन्च किया है लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब स्मार्टफोस इतने एडवांस हो गए हैं और एक हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ गेम्स को स्ट्रीम करना है तो वाई वुड यू नीड एन अदर डिवाइस ओवर एन एंड्रॉय डिवाइस इसी पंद्रह हज़ार के अटैचमेंट से आप वही सेम एक्सपीरियंस ले सकते हो जो आपने एक थ्री फिफ्टी डॉलर हर्च

प्रोफेशनली अगर किसी को चाहिए तो इट इट माइंड भी यूजेबल अप टू सम पॉइंट अगर किसी ने पूरा पूरा दिन गेमिंग करनी है और बैटरीज एन इशू और अपने फ़ोन को तंग नहीं करना चाह रहा और वो एक सेपरेट गेमिंग के लिए डिवाइस आता है फोशोर क्लाउड गेमिंग के लिए आप लॉ जी क्लाउड ले सकते हो लेकिन एज पर द फिजिबिलिटी कन्वीनियंस और एफिशियंसी आई डोंट थिंक कि इस तरह की क्लाउड गेमिंग डिवाइसिस का अब कोई फ्यूचर रह गया है बट फोश्योर लॉजिटेक जी क्लाउड इज़ वेरी क्लोज टू द रियल थिंग इट्स अ गेम पास मशीन जो प्रॉपरली गेमिंग के लिए ऑप्टोमाइज की गई है लेकिन पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में दे डो नाट है फ्यूचर फर्स्ट ऑफ आल क्योंकि थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर्स इम्पोर्ट करके इस तरह की डिवाइस जरूर आपको एक एक लाख तक मिलती हैं एंड सेकेंडली पाकिस्तान में हमें स्टेबल वाई फाई कनेक्शन एक्वायर करना इतना आसान नहीं है जो गेम्स को टेनिटी पीपल प्रॉपरली स्ट्रीम कर सकते हैं डिवाइस पर सो यह इफ एनी वन ऑफ यू वॉज क्यूरियस के पोटेबल गेमिंग का फ्यूचर क्या है वी आर हैविंग पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस लेकिन दे आर नॉट फिजबल और पाकिस्तान से उनका कॉन्सेप्ट भूल जाओ सो यह गए वन अल्लाह